पंकज जी, पीयूष जी, अल्ट प्लस आर कीजिए, रिकॉर्डिंग कीजिए। तो आज हमारी क्लासेस में हम सर डिस्कस हो कर गई रहे हैं चालू। मिसलेनियस। पीयूष जी, आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। पंकज जी, आप भी अपनी रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए। सर सर क्या करना है? आर प्लस ऑल्ट प्लस आर ऑल्ट प्लस आर। ओके okay. एक ही बार दबाइएगा। चलिए, हो गया। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिसलेनियस चीजें बेसिक एक्सेल के, क्योंकि हमारे पास दो लोग ज्वाइन हैं और दोनों लोग बिगिनर हैं। तो बेसिक के कुछ चीजें हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने फाइल क्रिएट किया है। जैसे कि आप जब भी आप कोई एक्सेल ओपन करते हैं, मैं शुरू से बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि इससे पहले तो मैंने बस इंट्रोडक्शन कराया था। तो जैसे आप एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, ओपन कैसे करना है मेरे हिसाब से आपको आता होगा। तो हमने एक्सेल को ओपन किया। तो ओपन करते ही आपको पहले ही विंडो में दिखेगा कुछ टेम्पलेट्स। आपको याद होगा कि मैंने लास्ट क्लास में, जैसे फर्स्ट टाइम विंडो इस तरह का खुल के आएगा। इसमें आपके रिसेंट यूजेज फाइल है, और उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक है, और यहाँ पे आपके दिखेंगे क्या दिखेंगे, टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट्स क्या होता है? बना बनाया फॉर्मेट होता है, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आपको टेम्पलेट चाहिए तो टेम्पलेट भी क्लिक कर दीजिए। कोई पुरानी फाइल ओपन करनी है तो यहां से ओपन कर लीजिए, या ओपन अगर इसमें इस लिस्ट में नहीं है तो आप यहां ओपन पे क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। नहीं, मुझे ब्लैंक फाइल चाहिए तो मैं यहां पे ब्लैंक फाइल को ले लिया। अब ब्लैंक फाइल अगर आप जब ले लिया आपने, तो क्या करना होगा, इसको सेव करना होगा, क्योंकि सेव करना जरूरी है। तो आप कंट्रोल एस करके भी कर सकते हो, या फिर सेव या सेव एस पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट टाइम आपको इस तरह से विंडो देगा। इसमें आपके रिसेंट यूजेस फोल्डर होंगे, जहां पे आपने रिसेंटली फाइल को सेव किया था वो दिखेगा आपको। या आप अपना लोकेशन से, यहाँ पे वन ड्राइव दिख रहा है, तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में क्या हुआ है कि सिस्टम ने मुझे एक पाथ दिया हुआ है ऑनलाइन। उस पाथ पे जाके मैं अपनी फाइल को सेव कर सकता हूं, ये ऑनलाइन होगी सर। नहीं, मुझे किसी और लोकेशन में चाहिए तो ब्राउज पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप अपने फोल्डर, यहाँ पे देखिए नेविगेशन है कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, किस ड्राइव में, किस फोल्डर में, वहाँ जाइए। फाइल का नाम दीजिए, और यहाँ पे फाइल का टाइप जो है बाई डिफॉल्ट डॉट एक्सएलएस एक्स होता है, जिसमें आप सेव कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपना चूज कर सकते हैं। ठीक है सर, और यहाँ पे आपने फाइल का टाइप यहीं पर रहता है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे मैं समझाऊंगा कि क्या टाइप होता है। फिलहाल आप एक्सेल वर्कबुक रखें। अगर फाइल के अंदर में पासवर्ड डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फाइल के अंदर पासवर्ड हो, तो पासवर्ड आप डाल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ टूल्स पे आएंगे, यहाँ आपको जनरल ऑप्शन आता है, जहां पे अपने फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डाल सकते हैं कि भाई ओपन होने से पहले मेरे फाइल का पासवर्ड होना चाहिए, बगैर पासवर्ड के ओपन ना हो। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो फाइल को पहले आप, सर ये ऑप्शन कहाँ आता है? जब आप फाइल को सेव करते हैं, जहां पे फाइल का नाम और फाइल का टाइप होता है, उसी के नीचे आपको टूल्स दिखेगा। अब नीचे हो सकता है या फिर ऊपर हो सकता है, और डिपेंड करता है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको यहाँ साइड में होता है, किसी के यहाँ नीचे होता है, किसी के यहाँ साइड में होता है। तो आप देख लीजिएगा कि टूल्स लिखा हुआ हो, ठीक है? हेलो, जी सर जी टूल्स लिखा होगा, उस टूल्स में आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा जनरल ऑप्शन, और जनरल ऑप्शन पे आपको मिलेगा जो आपने जो पूछा है।
ओके जी सर। आगे बढ़े सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। तो ये आपका फाइल हो गया। अब बात आती है कि आपके पास फाइल में बाय डिफॉल्ट तीन सीट या एक सीट आपको मिलेगा। ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आप इसकी सेटिंग ऑप्शन में जाकर चेंज भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको और सीट लेनी हो तो आप यहाँ प्लस का साइन दिख रहा है, इस पे सीट को आप इंसर्ट कर सकते हैं। सीट का नेम भी अपने हिसाब से डबल क्लिक कर दीजिए इस पे, और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी डबल क्लिक नहीं कर पाए तो राइट क्लिक करके आपको रिनेम होता है, उससे भी आप रिनेम कर सकते हैं। आपका सीट जो मर्जी सीट का नेम देना चाहे वो दे सकते हैं। ओके उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ आपके एक्सेल में जो है आपके पास कॉलन होता है और यहाँ पे आपका रो होता है। तो इसके बीच में आप जो भी डेटा डालना डाल सकते हैं, डेटा आप न्यूमेरिकल स्टैटिकल कैलकुलेशन कुछ भी डाल सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा हम एक टेबल आपके सामने बना रहे हैं। तो जब भी आप यहाँ पे कोई डेटा बनाते हैं, कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो एक यूनिक आईडी जरूर रखिएगा ताकि आगे चल के हम उसको आइडेंटिफाई हो सके। यूनिक आईडी वही होता है जैसे कि आपका अकाउंट नंबर यूनिक आईडी होता है, आपका मोबाइल नंबर यूनिक आईडी होता है, आपका एम्प्लॉय कोड यूनिक होता है, आपका रोल नंबर यूनिक होता है। तो ऐसे एक यूनिक आईडी जनरेट करना जरूरी होता है। जैसे कि अगर आप अपने शॉप के लिए जो प्रोडक्ट लिस्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट आईडी रखेंगे, कस्टमर का लिस्ट बनाएंगे तो कस्टमर आईडी लिखेंगे, सेल्स का डेटा रखेंगे तो एक इनवाइस नंबर होगा या फिर एक सेल्स आईडी होगा। ओके ओके तो ऐसे यहाँ पे आप रखेंगे। फिर यहाँ पे आप डेट हो गया, नेम हो गया, सिटी हो गया, और यहाँ पे हम देते हैं मान लीजिए कि क्वांटिटी हो गया, एमआरपी हो गया, अमाउंट हो गया, जीएसटी हो गई, और यहाँ पे आपका टोटल हो गया। ओके यूनिक आईडी आपको मैनुअली 1 2 करके लिख सकते हैं। आगे चल के जो फॉर्मूला दिखाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो सकता है। अब यहाँ पे डेट अपने हिसाब से टाइप करें, ऐसे आपके पास शॉर्टकट होता है, कंट्रोल से कंट्रोल के साथ सेमी कोलन करते हैं तो आपका ये डेट हो जाता है। ऐसे ही अपना नेम जो लिखना चाहते लिख सकता हूँ, सिटी। अब सिटी में मैं सर क्या करते हैं, कंट्रोल कंट्रोल के साथ क्या दबाते सेमी हैं, कॉलन, सेमी कॉलन, सेमी कॉलम। अरे हाँ कंट्रोल सेमी कॉलन। ये कौन सी बटन है सर, सर सेमी कॉलन बटन एल के बगल में होती है, इसके बगल में। एल एल, ओके 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 ठीक है। तो सर इससे करेंट डेटा आई है जो आज की डेट है वो। हाँ करंट सिस्टम रेट देगा आपको। ओके सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे सिटी, अब जैसे कि सिटी में मान लीजिए कि चार सिटी है तो मैं चार सिटी का लिस्ट बनाना चाहता हूँ। जैसे मैं यहां पे लिखना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ड्रॉप डाउन बन के आ जाए। इस तरह की ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपको जाना होगा डेटा मेनू बार में, और यहां आपके सामने दिखेगा डेटा वैलिडेशन, राइट सर, डेटा वैलिडेशन। इस पे क्लिक कीजिए और यहां से आप अपना लिस्ट क्या करिए लिस्ट, और यहां पे अपने सिटी की लिस्ट डाल दीजिए। जैसे कि मैंने डाला यहां पे कि पुणे कॉमा पटना,
था। अगर मान लीजिए कि कहीं पे टाइप है तो कि आप यहाँ सेलेक्ट करके वहां से आप उसको रिसेलेक्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप टाइप ही करो, आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं एंड ओके कर दीजिए। अब यहाँ भी क्या हुआ कि इन चारों के अलावा कोई और डेट आप नहीं डाल, सिटी नहीं डाल सकते, इसी में से कोई सिटी को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे क्वांटिटी दे दी और यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने एमआरपी दे दी, अब मुझे इसका अमाउंट निकालना है, मतलब कि मुझे क्वांटिटी और एमआरपी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, E2 हाँ यहाँ पे हम E2 क्या करेंगे, E2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे E2 आ गया। E2 मतलब क्या, E कॉलन एंड टू रो, E2 मल्टीप्लाई बाय F2, E2 मल्टीप्लाई E F2, F2 तो ये क्या होगा 85 मल्टीप्लाई बाय 65 हो जाएगा, और आपके सामने जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सर, तो ये आखिरी तक यही चलेगा ना सर, जो अपन ने यहाँ पे कंडीशन डाली थी हाँ मैं आपको बताता हूँ। आपको ऐसे जैसे सर? थोड़ा सा कुछ पूछना था पूछिए, सर, E2 और F2 क्यों दबाया अपन ने? मैंने वो वीडियो नहीं देखा ना, इसलिए बोल रहा था मैं। सर E2 जैसे कि अब मान लीजिए कि मुझे क्या है कि यहाँ पे अमाउंट होना चाहिए, तो अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, इसके आगे जो ये हमारे क्वांटिटी और ये हमारे एमआरपी। E2 क्या हुआ, E2 हो गया एड्रेस, ये हर सेल का एक एड्रेस होता है, समझ गए? तो ओके ओके ये आपको दिख रहा है हाँ और ये आपका 2 है, तो इस सेल का एड्रेस जो ओके है क्वांटिटी सेल का एड्रेस क्या हो गया, E2 हो गया, E कॉलम E2 2 ओके ओके रो, ऐसे F2 F कॉलम एंड F2 नंबर रो। और हमने यहाँ क्या ओके ओके किया कि हम टाइप नहीं किए सर, हम क्लिक करते ही इसने इसका एड्रेस पिक कर लिया, भाई भाई जब मैंने इस पे क्लिक किया तो इसने इसका एड्रेस पिक कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, जी सर, अभी हो गया, समझ आ गया कोई? जी सर, सर यही प्रॉब्लम आ रही थी। ये जो मैं बाद में, जैसे अभी अपन ने कंडीशन लगा दिया, लेकिन इसके बाद जो सेकंड कॉलम में मैं मैं डाटा डाल रहा आपको था बता ना रहा हूँ, वो एक जब मिनट आपको मैं सब सब समझा रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए, ठीक है? ओके सर अब ये हो गई हमारी, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि अगर मुझे अब यहाँ पे मान लीजिए कि इसकी मैनुअली भी कैलकुलेशन की जा सकती है, तो हम क्या करेंगे कि मैनुअली में 85 मल्टीप्लाई बाई 365 भी करेंगे तो रिजल्ट आएगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर मैंने 85 की जगह पे 80 कर दिया तो एंटर मारते ही मेरा रिजल्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, क्योंकि ये लिंक है हमारे इस। ओके आपस में लिंक है, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि लिंक नहीं है, तो इसलिए हम इसको फॉर्मूला में इसका एड्रेस को सिलेक्ट करते हैं। अब जीएसटी हुआ तो मुझे इसका अमाउंट का 18% निकालना है, तो मैं यहाँ पे अमाउंट की जो एड्रेस है उसको सिलेक्ट करूंगा G2, G2 इट मीन जी कॉलम जी नंबर रो मल्टीप्लाई बाई 18%, परसेंट हमने परसेंट का सिंबल टाइप कर दिया, एंटर मारते ही यहाँ पे इसका जीएसटी कैलकुलेट हो गया। ऐसे मुझे मान लीजिए कि 5% डिस्काउंट निकालना है, तो मैं अमाउंट पे क्लिक करूंगा और मल्टीप्लाई बाय 5%, यहाँ पे 5% मल्टीप्लाई आ गया और यहाँ पे देखिए 1460 डिस्काउंट हो गया। अब बात करते हैं टोटल, तो टोटल में हमारा अमाउंट और जीएसटी ऐड होगा और डिस्काउंट माइनस होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि अमाउंट प्लस जीएसटी माइनस डिस्काउंट, एंटर मारिए आपके सामने रिजल्ट आ गया। अब देखिए जो कैलकुलेशन हुई है सिर्फ इस कॉलम, मतलब कि हमारी जो यूआईडी नंबर 1 है इसकी एंट्री हुई है, अब मुझे यहाँ नीचे भी एंट्री करना है, जैसे यहाँ पे 2 कर दिया, अब मैं यहाँ पे डेट डालता हूँ, इसमें नाम दूसरा डालता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया सिटी में, मान लीजिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया पटना, क्वांटिटी में हमने यहाँ पे डाल दिया 100, एमआरपी हमारा हो गया 250,
अब ये कैलकुलेशन तो नहीं आई, तो दोबारा से कैलकुलेशन करना पड़ेगा? जी नहीं, इसके अंदर क्या लगा हुआ है? फॉर्मूला लगा हुआ है। हम इस सब को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, और फिर नीचे के तरफ जहां तक मुझे लगता है कि मुझे टाइप करना है, मुझे यहां तक टाइप करना है, वहां तक मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो पेस्ट करने पे क्या होगा कि यहां भी कैलकुलेशन आपका हो जाएगा और बाकी जो ब्लैंक था उसके जगह पे जीरो आएगा, क्योंकि जीरो से जीरो मल्टीप्लाई, ब्लैंक से आपको जीरो समझता है, इसलिए यहां पे वो जीरो दे रहा है। अब आप यहां पे टाइप करते जाइए, जैसे जैसे टाइप करेंगे वैसे वैसे आपको यहां पे वैल्यू आती जाएगी। समझे सर? यस सर। तो आपको क्या करना है, कॉपी करके कंट्रोल सी करके पेस्ट करना है, ओनली पर कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, जो कॉपी पेस्ट होता है वो। यस सर। सर कॉपी पेस्ट करने के साथ आप क्या बता रहे थे, अल्टर दबा दीजिए करने? नहीं, कॉपी पेस्ट ही करना था ना सर, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अच्छा, वो सर वो क्या हुआ जो आपने कंट्रोल करके कुछ सी बोला होगा ना, तो वहाँ आवाज चल गई थी, हाँ, वो क्या कंट्रोल कुछ सी एंड बोला कंट्रोल वी कॉपी कर दीजिए। ऐसा जी? ये उसको सेलेक्ट ओके सर। ड्रैग भी कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा कि जब आप फॉर्मूला में जो ड्रैग करें तो डॉलर इसमें नहीं होना चाहिए। ओके सर। डॉलर का क्या फंडा है वो आप यहाँ पर समझ जाइए। जैसे मान लीजिए मैं कुछ नंबर्स यहाँ पे दिया हुआ, राइट, कुछ नंबर्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस नंबर्स में मुझे 20 ऐड करना है, हर नंबर में 20 ऐड करना है, तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, A1 पे क्लिक करेंगे, प्लस 20 करके एंटर मारेंगे, तो रिजल्ट। फिर मैं इसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दूं या फिर इसको ड्रैग कर लूं, ओके सर। रिजल्ट आ जाएगा। आगे ना सर, सर होता है क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे A1 सेलेक्ट किया, जब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली A2 हो जाता है। मतलब कि जैसे ही आप फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट ऊपर नीचे करते हो तो फॉर्मूले का जो नंबर कॉलन है वो ऊपर नीचे आगे पीछे इंक्रीज डिक्रीज होता है। जैसे मान लीजिए ना कि अगर मैं यहाँ पे A1 लिया हुआ है, तो अगर मैं कॉपी करके इसको अगर एक से नीचे पेस्ट करूंगा तो ये A2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे 3 से नीचे पेस्ट करूंगा तो देखिए क्या हो गया, 45 हो गया सर, 20+ हो गया। गया ना सर, A4 हो गया, करेक्ट है सर, इंक्रीज हो गया सर। लेकिन एक एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो मुझे हर सेल में अलग अलग फॉर्मूले लगाने पड़ते। यस सर। बट यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं यहां पे 20 लिख दू D1 पे, अब मुझे हर सेल में D1 की वैल्यू पेस्ट करनी है, तो अगर मैंने इसको यहां पे सेलेक्ट किया एंड प्लस D1 की वैल्यू किया तो क्या होगा? अब जैसे कि जानते हैं कि नीचे ड्रैग करने पे A1 A2 होगा, तो D1 भी D2 होगा ना सर। यस सर। प्रॉब्लम हो गई कि मुझे A1 को तो A2 करना था बट D1 फिक्स होना चाहिए था। यस सर। तो उस केस में हम डॉलर साइन लगाते हैं, इस 1 के आगे हम डॉलर का साइन लगा देंगे, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस या फ्रीज कर सकते हैं। और फिर इसको कॉपी किया और yes, नीचे के तरफ मैंने इसको पेस्ट कर दिया, हो गया। यस सर। क्लियर है? यस सर। लेकिन अगर मैं इसको आगे पेस्ट करूं तो ए आपका A2 जो है B2 हो जाएगा और D1 आपका E1 हो जाएगा। आप बोलोगे सर मैं तो डॉलर साइन लगाया, फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डॉलर के जो साइन आपने लगाया वो 1 के आगे लगाया, 1 क्या है, रो है, तो सिर्फ रो को फ्रीज करेगा बट कॉलम को फ्रीज नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि कॉलम भी फ्री हो जाए, फ्रीज हो जाए, आगे पीछे इंक्रीज ना हो, तो कॉलम की आगे भी आपको डॉलर साइन लगाना होगा, जिसके रो एंड कॉलम में जिसके साथ आगे लगा होगा वो आपका फ्रीज होगा, बाकी फ्रीज नहीं होगा। तो आपका कॉलम yes, sir. इंक्रीज होता है, कॉलम इंक्रीज होता है जब आप उसको कॉपी करके
लेफ्ट टू राइट में से कहीं पेस्ट करते हो, और रो का भी इंक्रीज होता है जब ऊपर नीचे पेस्ट करते हो। तो इस पे और भी आगे डिटेल में आपको आगे क्लासेस में बताएंगे, बट यहाँ पे आपको, यहाँ पे मुझे किसी चीज की डिक्रीजन करने, डॉलर साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा हर रो चेंज हो रहा है। एक सिंपल सा हमने फॉर्मेट आपके सामने बनाया। अब इसकी जो है फॉर्मेटिंग वगैरह आप करना चाहो तो फॉर्मेटिंग कर सकते हो। एरिया को आप सिलेक्ट कर लीजिए, होम मेनू बार पे फॉर्मेटिंग, बॉर्डर लेना चाहते हो तो मैंने यहाँ से ऑल बॉर्डर ले लिया। फिर मैं हेडिंग को बोल्ड करना चाहता हूँ, सेलेक्ट करके ये देखिए बोल्ड कर दिया। उसके बाद मैं इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने एक अच्छा सा बैकग्राउंड कलर ले लिया, ठीक है। यस सर, क्योंकि ऐसा इसलिए किया ताकि जब मैं इसको प्रिंट करूं तो प्रिंट में ऐसा प्रिंट हो, क्योंकि पीछे की जो लाइनिंग आपको डिफॉल्ट लाइनिंग जो होती है वो दिखती है, वो प्रिंट में नहीं आती है सर, ब्लैंक, यस सर, ठीक है ना। ऐसा इसलिए किया। तो ऐसी एक, इसी तरह की कुछ फॉर्मेट्स बना के मुझे भेजिए आप लोग, ठीक है।